डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, ये पियर्सन की संकल्पना के आधार पर अम्ल क्षार की प्रबलता को समझाया गया है। ये बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस चैप्टर के अंदर आता है। जो तो पियर्सन ने 1963 में कठोर, मृदु, अम्ल और क्षार की अवधारणा दिया है। पियर्सन ने यह वर्गीकृत किया है कि वर्ग ए के समस्त सदस्य को कठोर तथा वर्ग बी के समस्त सदस्य को मृदु नाम दिया है। कठोर का मतलब हार्ड और मृदु का मतलब सॉफ्ट, अर्थात वर्ग ए के समस्त धातु आयन कठोर एसिड, वर्ग बी के समस्त लिगेंड कठोर क्षार हैं, जबकि वर्ग बी के समस्त धातु आयन मृदु और वर्ग बी के समस्त लिगेंड जो है वो मृदु क्षार। एक सामान्य अम्ल क्षार अभिक्रिया को निम्न प्रकार हम दर्शा सकते हैं। जैसे ए जो है लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और लुईस क्षार बी है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। लुईस अम्ल और लुईस क्षार मिलके ए बी संकुल बनाते हैं। अब ए बी के मध्य जो है बॉन्ड किस किस तरह का हो सकता है? तो आयनिक भी हो सकता है, ध्रुवीय भी हो सकता है, अध्रुवीय हो सकता है। तो बंध की प्रकृति जो है वो संकुल ए बी के फॉर्मेशन कांस्टेंट बी द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। पियर्सन ने 1963 में इसकी व्याख्या करने के लिए कठोर एवं मृदु अम्ल व क्षार एच एस ए बी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस की अवधारणा सिद्धांत दिया गया। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? कठोर अम्लों में दाता परमाणु से ध्रुवित होने की प्रवृत्ति कम होती है। कोई भी कठोर एसिड है तो उसमें जो डोनर एटम्स हैं उसके द्वारा पोलराइज्ड होने की प्रवृत्ति कम होती है एवं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है। सॉफ्ट एसिड वे हैं जो दाता परमाणु से आसानी से पोलराइज्ड हो जाते हैं एवं जिनकी विद्युत ऋणता कम होती है एवं इन दोनों के मध्य गुण रखने वाले अम्ल सीमा रेखा अम्ल कहलाते हैं। इसका मतलब वर्ग ए, वर्ग बी और एक सीमांत रेखा वाले जो अम्ल होते हैं। अब जैसे ये है कठोर अम्ल, क्या क्या हो सकता है इसमें? एच प्लस, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, के प्लस, आर बी प्लस, सी एस प्लस, बी ई प्लस टू, बी सी एस थ्री होल टू, एम जी प्लस टू, सी ए प्लस टू, एस एफ प्लस टू, डी ए प्लस टू, एस सी प्लस थ्री, एल ए प्लस थ्री, सी ई प्लस फोर, जे डी प्लस थ्री, एल यू प्लस थ्री, टी एच प्लस फोर, यूरेनियम प्लस फोर, यू टू प्लस टू, पी यू प्लस फोर। सॉफ्ट एसिड में है सी ओ सी एन फाइव होल माइनस थ्री, पी डी प्लस टू, पी टी प्लस टू, पी टी प्लस फोर, सी यू प्लस, ए जी प्लस, ए यू प्लस, सी डी प्लस टू, एच जी प्लस टू, एच जी टू प्लस टू, सी एस थ्री, एच जी प्लस आयन, बी एस थ्री, जी ए सी एस थ्री होल थ्री, जी ए सी एल थ्री, जी ए बी आर थ्री, जी ए आई थ्री, टी आई प्लस थ्री, टी आई सी एस थ्री होल थ्री। और हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के बीच का जो ये होता है उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं।
सीमा रेखा अम्ल, इन दोनों के बीच का करेक्टरिस्टिक्स। Fe plus 2, Cu plus 2, Ni plus 2, Cu plus 2, Zn plus 2, and Rs plus 3, Ir plus 3, Ru plus 3, BCS 3 whole 3, GS 3, R3C plus, C6H5 plus, Sn plus 2, Pb plus 2, No plus, Sb plus 3, Bismuth, Bi plus 3, SO2, yeah. तो इस तरह से कुछ जो है हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड और सीमांत अम्ल। अब इस अवधारणा के अनुसार कठोर क्षार वे होते हैं जिनके परमाणु कम ध्रुवित होने वाले होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुकता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उच्च होती है। मृदु क्षार वे होते हैं जिसके धाता परमाणु अधिक ध्रुवित होने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुकता कम होती है। सीमा रेखा वाले क्षारक वे होते हैं जो इन दोनों के मध्य गुण रखते हैं। तो इस तरह से जो है कठोर क्षार, मृदु क्षार और सीमांत क्षार। तो कठोर क्षार को अगर हम देखें तो ये NH3, RnH2, N2H4, H2O, HO- O- minus 2 आयन, ROH, RO- अल्कोक्साइड आयन, डाइथाइल ईथर, एसीटेट आयन, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, फॉस्फेट, फॉस्फाइट आयन, सल्फेट आयन, परक्लोरेट आयन, फ्लोराइड आयन, Cl- आयन। मृदु क्षार H- माइनस हाइड्राइड आयन, R- माइनस आयन, C2H4, C6H6, Cn- माइनस, RnC, CO, HCn- माइनस, R3P, RO, होल RO3P, R3S, R2S, RHH, RS- माइनस एंड H2O3- माइनस 2 आयन, I- माइनस। और सीमा रेखा जो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखती है, हाई और लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में, जैसे एनिलीन, पिरिडीन, एजाइड आयन, नाइट्रोजन, एन टू, एन ओ टू माइनस, नाइट्राइट आयन, सल्फाइड आयन, ब्रोमाइड आयन एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब ये जो पियर्सन के हिसाब से, एच एस सी प्रिंसिपल के हिसाब से कठोर अम्ल कठोर क्षार को तथा मृदु अम्ल मृदु क्षार को ऊपर दिया देता है। जैसे अगर कोई बॉन्ड बनाना होगा तो कठोर हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ बॉन्ड बनाता है, आसानी से स्टेबल बॉन्ड बनेगा। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा आसानी से और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और अगर हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस के साथ अगर बॉन्ड बनता है तो वो वीक होता है। इसी तरह से हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड के साथ अगर बॉन्ड बनता है तो वो वीक होता है, कमज़ोर होता है। तो या तो या फिर सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ अगर बॉन्ड बनता है तो स्ट्रॉन्ग होगा। यदि अम्ल ए तथा क्षारक बी या तो दोनों मृदु हो या दोनों ही कठोर हो, उस केस में बंधन अस्थाई होता है। मृदु अम्ल और मृदु क्षारक अस्थाई संकुल, कठोर अम्ल और कठोर क्षारक अस्थाई संकुल। इसी तरह से इसके विपरीत अगर हम देखते हैं अम्ल एवं क्षारक दोनों में से कोई भी एक मृदु हो और दूसरा कठोर, तो संकुल ए भी एक अस्थायी तो कम होता है। अर्थात कठोर अम्ल और कठोर क्षार के बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो वो अस्थायी,
इसी तरह से ये अगर बनता है मृदु अम्ल और कठोर क्षार हो तो अस्थाई शंकु। पियर्सन का सिद्धांत एक अनुमान है जिसे लुईस अम्ल व क्षारक से बने युग उत्पाद के अस्थायित्व के बारे में पूर्वानुमान किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद इसी में और आगे इसकी क्या उपयोगिता है, बॉन्ड जो अस्थाई होता है उसके एग्जांपल और क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके एप्लीकेबिलिटी, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, इस सिद्धांत के हिसाब से हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके बारे में अगले क्लास में बताएंगे। जो